तो हेलो एवरीवन, ये आपका मैथ्स का पहला लेक्चर है और पहला चैप्टर भी है रैशनल नंबर। और ध्यान से आप सुनिएगा, मैथ्स बहुत लोगों से जो है नहीं होता है, आपको स्पीड भी करना है, साथ ही में आपको सब चीज़ें सही भी करना है। रैशनल नंबर ये चैप्टर है जहाँ पर साइन प्लेज अ वाइटल रोल। आप कहाँ पर नेगेटिव साइन है, कहाँ पर पॉजिटिव साइन है, वो भी आपको ध्यान से देखना है। और अगर आप कहीं पर स्टार्टिंग में भी अगर आप गलत कर देते हो तो फिर आप पूरा गलत हो जाओगे, तो वो चीज़ आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है, चैप्टर के स्टार्टिंग से आप सुनिए, अच्छे से पढ़ेंगे तो सब कुछ होगा आपसे। हाँ, सारे के सारे मैथ्स के क्वेश्चंस आप कर पाओगे। और अगर आप कहीं पर भी थोड़ा भटक रहे हो तो फिर नहीं होगा। तो आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू प्लस द वन हु इज स्टडिंग ऑनलाइन ऑल्सो विद अस टू बी व्हाट अलर्ट, टू बी कॉन्शियस ऑफ व्हाट आई एम टीचिंग, राइट, सो दैट वी कैन प्रोसीड फॉर द नंबर्स एंड वी कैन डू द नंबर वेल एंड गुड। रैशनल नंबर, इसके लिए हमें पहले तो जानना होगा क्या नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर आपको पता है कहाँ से शुरू होता है? जीरो से, वन से। ठीक है, वन से कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक। ओके, फिर होल नंबर क्या होता है? जीरो से कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से कहाँ तक जाता है? इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, फिर इंटीजर, इंटीजर जो है तीन प्रकार के होते हैं। ओके, इंटीजर को अगर हम लोग देखें तो तीन प्रकार के होते हैं। एक है पॉजिटिव इंटीजर, एक है जीरो इंटीजर और एक है नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर -1 से लेके -इन्फिनिटी तक होते हैं, जीरो इंटीजर जीरो होते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? +1 से लेके +इन्फिनिटी तक होते हैं। क्लियर? ये आपके इंटीजर होते हैं। फिर रैशनल नंबर हमेशा याद रखना जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं, तो हम लोग उनको क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। और जीरो भी क्या है? एक रैशनल नंबर है, जीरो इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, जीरो इज ए रैशनल नंबर। और एक चीज याद रखिएगा, ये पी बाई क्यू में कभी भी क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू क्या? जीरो। अगर क्यू का वैल्यू जीरो हो जाता है तो फिर आपका आंसर क्या आएगा? इन्फाइनाइट आएगा, और इन्फाइनाइट इज नॉट अ रैशनल नंबर, है ना। अगर आप कुछ भी चीज सपोज 1/0 करते हो तो इसका आंसर कितना आएगा? अनडिफाइंड, इन्फिनिटी आएगा, है ना। अनडिफाइंड बोल सकते हो या इन्फिनिटी बोल सकते हो। तो वो एक रैशनल नंबर नहीं कहलाया जाएगा। तो आपके पी बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए, और क्यू हमारा क्या होना चाहिए? शुड नेवर बी इक्वल टू जीरो। और सारे के सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सब क्या है? एक रैशनल नंबर की कैटेगरी में ही आते हैं। रैशनल नंबर के अंदर ये सब आते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, सब आते हैं। किसके अंदर? रैशनल नंबर के अंदर। एक और अलग है, दैट इज क्या? इरेशनल नंबर, जो आप क्लास 9 में पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ोगे। और रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिल के बनाते हैं क्या? रियल नंबर। ओके, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर दोनों मिल के बनाएंगे क्या? रियल नंबर। ओके, तो ये होता है क्या? रैशनल नंबर। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर पढ़ेंगे। तो हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ये आपका पहला प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। मैंने आपको बोला है क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, जानते हो कि दो भी अगर आपका रैशनल नंबर हो रहा है, आप प्लस कर रहे हो, तो आपको एक रैशनल नंबर ही मिलता है करके, वही बोलता है ना क्लोजर प्रॉपर्टी। कि 1/2 + 1/2 कितना आया? सोच लो, आप 1/2 + 1/4 कर दो, कितना आएगा आंसर? 3/4। तो वो भी एक क्या है? रैशनल नंबर ही है। यही बोलता है क्या? क्लोजर प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिविटी क्या बोलता है? कम्यूटेटिविटी बोलता है a/b + c/d इज इक्वल टू c/d + a/b। यही बोलता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ जैसे 1/2 + 1/4, या फिर आप करो 1/4 + 1/2, समान ही आएगा। कुछ अलग आएगा क्या? नहीं, इसका भी आंसर 3/4 आएगा, इसका आंसर 3/4 आएगा।
ये होता है कम्यूटेटिविटी लॉ। फिर क्या है एसोसिएटिविटी लॉ। एसोसिएटिविटी लॉ क्या होता है, जैसे कि ए बाय बी प्लस सी बाय डी प्लस ई बाय एफ, तीन नंबर, अगर मैं इसका ब्रैकेट करता हूँ दैट विल बी इक्वल टू क्या, ए बाय बी प्लस सी बाय डी प्लस ई बाय एफ, ये इसका ब्रैकेट, ये भी क्या होता है इक्वल होता है। आप एग्जाम्पल के और से देख सकते हो, 1/2 प्लस 1/4, और यहाँ पर कर देते हैं अगेन प्लस 1/2, ठीक है, या फिर 1/4 करते हैं बेस्ट रहेगा। इज इक्वल टू, यहाँ पर भी वही चीज लो, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4, इसको यहाँ पर ब्रैकेट दे दीजिए, राइट। हाँ अच्छा, मैंने यहाँ पर ब्रैकेट दिया ना, यहाँ दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ दे दो, और फिर यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट दे दो, राइट। तो 1/2, 1/4 प्लस 1/4 क्या होगा, 2/4, राइट, 2/4, 1/2 प्लस, एलसीएम तो लेना नहीं पड़ेगा आपको, बस न्यूमरेटर को ऐड कर देना है 2/4। अब इसका एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2, तो दैट विल बी कितना, 4/4, दैट इज इक्वल टू क्या, 1। तो इसका तो आंसर 1 आया। यहाँ पर भी देख लो वही होगा, 1/2 प्लस 1/4 तो हमें पता ही है कितना होता है, 3/4, अगेन प्लस 1/4, देख लीजिए 3 प्लस 1/4, 4/4 कितना आ रहा है, 1। समझ में आया, तो ये एसोसिएटिविटी है, ये सब एडिशन ऑफ रैशनल नंबर का प्रॉपर्टी बताया जा रहा है। फिर एडिटिव आइडेंटिटी, आपको पता है रैशनल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, पता है आपको एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर, ओके, इज 0। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर इज 0। जैसे कि आप बोलो 1/2 प्लस 0 क्या देगा, 1/2 ही देगा, वही रैशनल नंबर देगा, राइट। और एडिटिव इनवर्स क्या होता है, नेगेटिव ऑफ रैशनल नंबर, नेगेटिव ऑफ रैशनल नंबर हमें क्या देता है, एडिटिव इनवर्स देता है, एडिटिव इनवर्स। जैसे कि मैंने दिया 3/4, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3/4। अगर मैंने सपोज दिया -3/-2, तो ये तो माइनस माइनस यही कैंसिल हो गया, तो वो तो 3/2 ही है, और 3/2 का फिर एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -3/2, नेगेटिव होगा, राइट। और एक चीज आपको याद रखना है, अगर मैं रैशनल नंबर दे रहा हूं और अगर मैं इसका एडिटिव इनवर्स ऐड करता हूँ, रैशनल नंबर प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट रैशनल नंबर, तो हमें क्या देगा, 0, और 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, पता है ना आपको, हाँ ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। रैशनल नंबर प्लस एडिटिव इनवर्स गिव राइज टू व्हाट, एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी आपका क्या है, 0 है। समझ में आया। वैसे सब्ट्रैक्शन के प्रॉपर्टी में भी लगा सकते हो, पहला वही है क्लोजियर प्रॉपर्टी। क्लोजियर प्रॉपर्टी क्या कहता है, अभी सपोज 1/4 माइनस, सपोज 2 लेते हैं, 1/2 माइनस 1/4 क्या आएगा आंसर, 1/4 ही आएगा, है ना, आधा में से एक चौथा गया तो बचा कितना, एक चौथा, 1/2 से 1/4 गया तो कितना बचा, 1/4, वो भी एक रैशनल नंबर ही है। तो सब्ट्रैक्शन क्या करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी दिखाता है। कम्यूटेटिविटी दिखाता है क्या, है अभी जैसे ए बाय बी माइनस सी बाय डी इज इक्वल टू सी बाय डी माइनस ए बाय बी, क्या होगा, क्या ये एडिशन में बेशक होता है, सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिविटी सपोर्ट नहीं करता है, नो, ठीक है। आप एग्जाम्पल में देख भी सकते हो, 1/2 माइनस 1/4, मैंने क्या बोला आपको, 1/4 आएगा, लेकिन 1/4 माइनस 1/2 क्या 1/4 आएगा, नहीं, तब इसका आंसर क्या आएगा, -1/4, तो क्या सही है क्या, हाँ सेम है क्या, 1/4 और -1/4 सेम नहीं है, तो कम्यूटेटिविटी नहीं होता है, राइट। फिर एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी भी होगा, नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिविटी भी नहीं होता है,
ए बाय बी माइनस सी बाय डी माइनस ई बाय एफ सपोज ये है, विल नेवर बी इक्वल टू ए बाय बी माइनस सी बाय डी माइनस ई बाय एफ, कभी नहीं होगा, ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे। इसमें आप नंबर ले लीजिएगा और देख लीजिएगा, कभी इक्वल नहीं होंगे। इसका आंसर अलग आएगा, इसका आंसर अलग आएगा, विल नेवर बी इक्वल टू व्हाट इच अदर। तो एसोसिएटिविटी भी नहीं दिखाता है क्या? सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिविटी भी नहीं दिखाता है। हमें एडिटिव आइडेंटिटी पता है, क्या है? जीरो। वैसे इसका आइडेंटिटी होता है क्या? नहीं होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। सब्ट्रैक्शन का आइडेंटिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, राइट? क्योंकि क्या होता है, आइडेंटिटी में दोनों तरफ से सही होना चाहिए। जैसे 1/2 - 0, ये तो चलो 1/2 आया, राइट? लेकिन अगर मैं 0 - 1/2 करता हूँ तब भी 1/2 आना चाहिए, लेकिन आ रहा है क्या? नहीं। 0 - 1/2 करूंगा तो कितना आएगा आंसर? -1/2। दोनों तरफ से सही होना चाहिए, अगर दोनों तरफ से सही नहीं है तो वो आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता, तो डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होगा, सब्ट्रैक्शन का इनवर्स भी डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स भी डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया? हाँ, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये एक क्वेश्चन करो तो आपने लिख लिया ये क्वेश्चन, हाँ? पॉज करके लिखिएगा ये क्वेश्चन को, ओके? ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ये क्वेश्चन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दिखाता है कि नहीं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करना है, दिखाता है कि नहीं, आपको बताना है। पॉज करके उसको लिखिएगा। ये वाला जो है आपको बताना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दिखाता है कि नहीं। आप ये करके आओगे, नेक्स्ट क्लास में चेक करूंगा, हम लोग यहाँ पर फिर से सॉल्व करेंगे क्या होगा इसका आंसर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो दिखाता है कि नहीं, आपको चेक करना है। इसके एडिटिव इनवर्स आपको बताना है, -7/5 के एडिटिव इनवर्स बताना है, -4/-13 का एडिटिव इनवर्स आपको बताना है, ठीक है? ये आपसे होना चाहिए। सब्ट्रैक्ट करना है आपको -9/22 फ्रॉम 5/33, हो पा रहा है कि नहीं? सब्ट्रैक्ट आप देखिएगा। द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज 9/20। दो रैशनल नंबर है जिनके सम है कितना? 9/20। अगर एक है 2/5, सपोज एक है 2/5, तो दूसरा क्या होगा? मतलब 2/5 + x = कितना आ रहा है? 9/20, राइट? तो x इक्वल टू क्या करोगे? 9/20, ये वाला को इधर ले जाओगे -2/5, ऐसा करके आपको आंसर लाना है। ये सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, राइट? आप एक बार करके आइएगा, देखते हैं हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, फिर उस हिसाब से हम लोग करेंगे ये नंबर, ओके? ये वाला, व्हाट रैशनल नंबर शुड बी एडेड? -7/8 में क्या ऐड करने से मेरा आंसर कितना आएगा? 5/9। मतलब -7/8 में आप क्या ऐड करोगे? +x, दैट विल बी इक्वल टू क्या? 5/9, क्लियर? फिर व्हाट शुड बी एडेड टू -2 टू गेट 3/8? -2 में हम क्या ऐड करेंगे जो आंसर आएगा 3/8, ओके? ये क्या ऐड करेंगे, ये मुझे बताना है आपको, ओके? कोशिश करना होगा, राइट? तो दैट वाज योर टुडेज लेक्चर। आप ये सारे जो है वीडियोस में नंबर्स हैं वो आप देखिएगा और कल लेके आइएगा, ये नंबर्स हम लोग करेंगे, क्लियर? फिर जो है लाइव ये नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपका कितना सही है और हम जब कर रहे हैं कितना सही है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच।